जब भी हम कोई पूजा या अनुष्ठान करते हैं तो सर्वप्रथम गौरी नंदन गणेश जी की उपासना करते हैं। सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माने जाने वाले गणेश जी का अवतरण दिवस गणेश चतुर्थी का पावन पर्व देश ही नहीं परंतु विश्व भर के सनातन धर्मावलंबियों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। चारों तरफ उत्सव ही उत्सव, बस सबके मन में एक ही इच्छा कि हे विघ्नहर्ता हमारे भी बिगड़े काम बनाओ। जो भी भक्ति भाव से इन्हें पुकारता है गणपति उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। बड़े ही मनमोहक से दिखने वाले गणेश जी के भव्य और दिव्य स्वरूप शारीरिक संरचना में भी विशिष्ट व गहरा अर्थ निहित है। शिवमानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव यानी ओम कहा गया है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक, नीचे का भाग उद चंद्र बिंदु लड्डू और मात्रा सूंड है। इनकी चार भुजाएं चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता की प्रतीक हैं। उनकी छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक हैं। तो आइए जानते हैं श्री गजानन के हर एक अंग के रहस्य के बारे में। सदैव सचेत रहने का संकेत देती है सूंड। समस्त देवी देवताओं में गणेश जी को बहुत अधिक बुद्धिमान माना गया है। गजानन जी की लंबी सूंड महाबुद्धित्व का प्रतीक है। लंबी सूंड तीव्र घ्राण शक्ति की महत्वता को प्रतिपादित करती है, जिसका अर्थ है कि जो समझदार व्यक्ति है वे अपने आसपास के माहौल को पहले से ही सूंघ सकता है। गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य को हमेशा सचेत रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुख समृद्धि व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उनकी बाएं ओर मुड़ी सूंड की पूजा करनी चाहिए और यदि किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करनी हो तो दाएं ओर मुड़ी सूंड की पूजा करनी चाहिए। लंबोदर होने का अर्थ, अंग विज्ञान के अनुसार बड़ा उदर खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। गणेश जी का बड़ा उदर सुखपूर्वक जिंदगी जीने के लिए अच्छी और बुरी सभी बातों को पचाने का संकेत देता है। इससे ये भी संदेश मिलता है कि मनुष्य को हर बात अपने अंदर रखकर किसी भी बात का निर्णय बड़ी सूझबूझ के साथ लेना चाहिए। वह लंबोदर स्वरूप से हमें ग्रहण करना चाहिए कि बुद्धि के द्वारा हम समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं और सबसे बड़ी समृद्धि प्रसन्नता है। सबकी सुनो का संदेश देते हैं बड़े कान। श्री गणेश जी का एक नाम गजकर्ण भी है। अंग विज्ञान के अनुसार लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। गणेश जी के कान सूप की तरह हैं और सूप का स्वभाव है कि वे सार सार को ग्रहण कर लेता है और कूड़ा करकट को उड़ा देता है। गणेश जी के कानों से यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को सुननी सबकी चाहिए लेकिन अपने बुद्धि विवेक से ही किसी कार्य का क्रियान्वयन करना चाहिए। ब्रह्म शक्ति का प्रतीक मोदक। गणेश जी को मोदक अति प्रिय है। उनके हाथ में मोदक होता है पर कहीं कहीं उनकी सूंड के अग्रभाग पर लड्डू दिखाई देता है। मोदक को महाबुद्धि का प्रतीक बताया गया है। मोदक का निर्माण अमृत से हुआ है। यह ब्रह्म शक्ति का भी प्रतीक माना गया है। मोदक बन जाने के बाद वे अंदर से दिखाई नहीं देता है कि उसमें क्या क्या समाहित है। इसी तरह पूर्ण ब्रह्म भी माया से आच्छादित होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता। चंचल मन पर अंकुश लगाते हैं। गणेश जी के हाथ में पाश और अंकुश है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अंकुश और पाश की आवश्यकता पड़ती है। कार्य में सफलता और जीवन में उन्नति के लिए अपने चंचल मन पर अंकुश लगाने की अत्यंत आवश्यकता है। अपने भीतर की बुराइयों को पाश में फंसा कर आप उन पर अंकुश लगा सकते हैं। एक दंत धारी गणेश। गणेश जी का एक ही दांत है और दूसरा दंत खंडित है। यह गणेश जी की कार्यक्षमता और दक्षता का बोधक है। एक दंत होते हुए भी वे पूर्ण है। यह इस बात का सूचक है कि हमें अपनी कमी का रोना ना रोते हुए जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है उसी में हमें दक्षता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार इसी टूटे दांत की लेखनी बनाकर गणेश जी ने महाभारत लिखी थी। वर मुद्रा में गणेश गणपति अक्सर वर मुद्रा में दिखाई देते हैं। वर मुद्रा सत्वगुण की प्रतीक है। इसी से वे भक्तों की मनोकामना पूरी कर अपने अभय हस्त से संपूर्ण भयों से भक्तों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार गणेश जी का उपासक रजोगुण तमोगुण सत्वगुण इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर एक विशेष आनंद का अनुभव करने लगता है। यह थी भगवान गणेश के स्वरूप से मिलने वाली सीख की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट लाते रहेंगे। बोलो गणपति बापा मोरया। धन्यवाद।